सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल और स्वागत है आपका एक और एक अमेजिंग से गेम प्ले में, जिसमें आज हम खेलने जा रहे हैं कार मैकेनिक सिम्युलेटर, जो कि एक एंड्रॉयड का गेम है। आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है, तो आज हम इसकी थोड़े बहुत गेम खेलेंगे, मतलब थोड़ा गेम खेलेंगे और मैं बताने जा रहा हूँ, उसका रिव्यू भी कर दूँगा। तो सबसे पहले मैंने एक गाड़ी ख़रीदा था, अभी मैंने इसे रिपेयर तो कर दिया लगभग, तो मतलब डेंट वेंट कार वॉश ये सब कर चुका हूँ मैं, कलर भी कर दिया। अभी फ़िलहाल इंजन का काम बाकी है, तो फिर चलो इंजन का काम करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर देखो, आपको राइट साइड में ये सब चीज़ों की परसेंट लिखा होगा, अगर ये 100% से कम है तो आपको इसे निकालना होगा। निकालने का सिंपल स्टेप है, आपको उस चीज़ को टच करना है पहले। तो ये देख लो, मैं ये अभी इस चीज़ को टच करता हूँ और आपको उसे दबा कर रखना है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल ऐसी सारी की सारी चीज़ें निकाल देता हूँ, क्योंकि जो ये सब डेंट खाया हुआ है। ओके, सबसे पहले आपको कोई कोई चीज़ें नहीं निकलेगी, क्योंकि आप अगर पहले उसके अंदर की चीज़ें निकालने जाओगे तो वो नहीं निकलेगी, आपको पहले बाहर की चीज़ निकालनी होगी उसके। ओके, तो मेरे हिसाब से हो गया ये। ओके, ये भी हो गया, ठीक है। तो एक साइड हो गया, अब दूसरे साइड पे चलते हैं। ओके, आपको एकदम शांति से करना है ये सब। इतना याद रखिएगा कि पहले बाहर की चीज़ निकालनी है, फिर उसके अंदर की चीज़। अभी मैंने इसका थोड़ा सा गेम प्ले खेल चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कौन सी चीज़ बाहर है और कौन सी चीज़ अंदर। ओके, चलो इसको भी निकाल देता हूँ। ओके, अरे यहाँ पे देखो, ये भी एक चीज़ ख़राब है, ये फैन। आपको एक ऑनलाइन स्टोर मिल जाएगा यहाँ पे, पार्ट्स दी मार्केट राइट साइड में लिखा है, आपको वहाँ से पार्ट्स खरीदने होंगे नए वाले और लगाना होगा। अभी फ़िलहाल चलो ये वाला इसको निकालने के लिए, अभी फ़िलहाल इसके लिए बहुत ज़्यादा काम होगा। ओके, मतलब ये चीज़ नहीं निकल पाएगी, तो हमें सिंपल क्या करना होगा, इसको निकालना होगा। ओके, अभी वो साइड चलना होगा। ओके, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा जूम इन। अरे यार, ये कहाँ चला गया। इसको टचिंग्स बराबर से रखनी होगी, टच बराबर करना होगा सब चीज़ें। ओके, अरे अरे अरे, ओके चलो अब इसको भी निकाल दो बाहर। अभी ये देख लो, ये ऑल क्लियर है, अभी ये डायरेक्ट निकल जाएगा। ओके, ये भी निकल गया। आपको एक ध्यान रखना होगा कि आपको सारी चीज़ें निकालनी तो होगी, लेकिन निकाल के उसको सही से फिर से फिट भी करनी होगी। आप खाली निकाल दोगे और बेच दोगे तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। स्पार्क प्लग भी निकाल देता हूँ मैं, सबकी सब चीज़ें निकालनी है। अभी ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी डैमेज्ड है, ये भी निकाल देना होगा। मैं आज आपको पूरी इसकी गाइड दे दूँगा। ओके, इसको टच करके रखता हूँ, ये भी निकल जाएगा। ओके, अब इसको निकाल देना होगा। ओके, अभी इसको निकाल देता हूँ। आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉडी का है। ओके, अभी यहाँ पे इंजन में चलते हैं, यहाँ पे डीएसेम्बल लिखा है, अगर मैं असेंबल पे जाऊँगा तो आपको सारे पार्ट्स दिख जाएंगे, तो आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये। लेकिन बहुत ईजी है, आपको बहुत मज़ा आएगा ये गेम खेलने में।
ओके मेरे हिसाब से ये वाला स्पार्क प्लग भी खराब है। ओके चलो ठीक है, ये वाला खराब है क्या? हाँ देखिए ऐसा आपको सब समझना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा पार्ट खराब है तो यहाँ पे डिसेंबल के नीचे शो पार्ट्स लिखा है, ये देख लो अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप ये शो पार्ट्स करने के बाद आप किसी भी पार्ट को टच नहीं कर सकते। ओके अभी मैं फ़िलहाल इसको वापस से क्लिक कर देता हूँ, ये फिर से जुड़ जाएगा। अभी फ़िलहाल ये देखो मुझे पता चल गया अभी कहाँ पे क्या ख़राब है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसे निकाल देता हूँ। एग्जॉस्ट है ये जिससे गाड़ी की आवाज़ आती है, मेन मतलब गाड़ी जैसा साउंड करती है ना। ओके ओके अब निकल जाएगा। अरे इसको निकालने के लिए लगते हैं कुछ। ओके 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 ऐसा जाना होगा। ये देखिए ये देखो ओ ये कहाँ चला गया। अरे 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 बापरे। ओके यहाँ चलते हैं है ना, ये देख लो इसको निकालना पड़ेगा हमें, इसको निकालना होगा। इसको टच कर दिया, ये कैसे नहीं निकल रहा है, ये निकालने के लिए निकाल दिए। ओके अभी आपको इसे भी निकाल देना है अल्टरनेटर। ओके अभी आपको फिर से शो पार्ट्स कर लेना है। देखो येलो में अभी यहाँ का पूरा मैंने निकाल दिया हूँ रॉन्ग पार्ट्स, वहाँ के बाकी है तो ठीक है। अभी आपको यहाँ से डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकते, आपको क्लिक करके जाना होगा। ओके तो मैं चलो फिर स्टार्ट करता हूँ अभी फिर से सारे के सारे पार्ट्स निकालना। आपको ये टायर का और जब भी आप कोई भी चीज़ को टच करोगे और वो नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कि वो जहाँ पे रेड दिखा रहा होगा ना आपको वहाँ पे पहले उस चीज़ को निकालना होगा। ओके चलो ओके ओके बाकी सारी चीज़ें ठीक है। पहले ये टोपा निकाल देते हैं इसके ऊपर का, ये स्प्रिंग भी निकालनी होगी फिर ये निकलेगा। ओके इतना याद रखिएगा आपको अपने टूल्स भी अपग्रेड करने होंगे। ओके ओके इसके लिए ये निकालना पड़ेगा पहले। ओके ये निकल गया, अब ये भी निकाल देते हैं। ओके चलो ठीक है अभी दूसरी साइड चलते हैं। ये देख लो ख़राब है, आपको परसेंटेज दिख जाएगा हर एक चीज़ का। अभी मैं आपको असेंबल करके भी दिखाने वाला हूँ, असेंबल करते टाइम आपको और पता चल जाएगा। ओके रुक जाओ, शायद अगर अंदर से ख़राब ना हुआ हो तो मैं ये क्यों खोलूँ। ओके ये अंदर से ख़राब नहीं है तो मैं इसको और नहीं खोलूँगा। वो भी सिंपल, हमें इसे खोलना होगा, इसे भी खोल देना होगा। आपको कार्स बाय करनी होगी और फिर उसे रिपेयर करना होगा। इस गेम में सिंपल ये है और उसके बाद आपको उसे सेल कर देना होगा, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ओके चलो अभी फ़िलहाल मेरे पास ओके अभी शो पार्ट्स करता हूँ मैं। ओके तो एक ही येलो पार्ट है जो कि वहाँ है तो फिर ठीक है चलो वहाँ चलते हैं। है ना ये देखो ऑयल फिल्टर खराब है बस। ओके चलो ये निकाल दिया हूँ। ओके अभी शो पार्ट करते हैं अभी फ़िलहाल। ओके सब हो चुका है सारे पार्ट्स। ओके सारे पार्ट्स हो चुके हैं। ओके चलो तो अभी फ़िलहाल ने सारे पार्ट डी सिंबल्स कर दिए हैं तो अभी फ़िलहाल वो साइड चलते पहले। ओके ओके चलो ओके
और अभी आपको ये डी असेंबली के साइन के पे वापस से क्लिक कर देना है। तो ओके अभी यहाँ पर देखो क्या है, ये रेडिएटर फैन VSOSO। ओके तो आपको पार्ट्स मार्केट जाना है, आपको ये सिंपली यहाँ पे ऐसा करना है, रेडिएटर ना के ऊपर होगा वो, ओके फैन VOHV आपको बाय कर लेना है। ओके ये आपको कट करना होगा, अभी ये देख लो यहाँ पे देख लो, अभी हमारे पास नहीं था वो इसलिए मैंने बाय किया। आपको अभी इसे टच करना होगा और ये लग गया 100% वाला। ओके अभी सब लगाना है ऐसे ही कर करके, तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो ये क्या है, आउटर टायर रोड, ब्रेक डिस्क, आउटर टायर रोड, आपको सब ध्यान से करना होगा क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा पार्ट खरीद लिए ना, आउटर टायर रोड ओ पे चलना है ना, आउटर टायर रोड नहीं नीचे होगा, ये रहा एक और एक आउटर टायर रोड, क्योंकि दो जगह आउटर टायर रोड निकाले थे ना हमने, ऐसा मतलब तो आपको याद रखना होगा थोड़ा बहुत, यहाँ आपने दो दो जगह निकाला था। अब ये सब मैं सारे टायर रोड बेच दूंगा जो कि क्या बोलते हैं, ओके स्वे बार फ्रंट एंड लेक, ओके एस से है तो पार्ट्स मार्केट एस में चलना है। यार ये क्या हुआ, एस कहाँ है, नहीं नहीं ये नहीं खरीदना है, एस हाँ ये रहा, नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए, जो चाहिए वो है ये रहा स्वे बार फ्रंट एंड लिंक। ओके इसे फिट कर देना है, स्वे बार का ये वाला लगा देना है, ये देखो लग गया, ये देखो ब्रिक ब्रेक डिस्क वेंटिलेटेड। ओके अभी मैं इसको टच करता हूँ, मेरी शायद से ब्रेक डिस्क सही थी, ये देख लो मेरे पास है एक्स्ट्रा ब्रेक डिस्क। ओके रुक जाओ पहले ये अंदर का व्हील हब कैप, ओके तो डब्लू पे चलना होगा, ओके नीचे नीचे, अरे यार ये क्या टच हो सकता है, व्हील पंप कैप, व्हील हब कैप ये तो है नहीं यहाँ पर, व्हील हब कैप ओ यहाँ पे है। ओके चलो बैक कर लेते हैं, व्हील हब कैप ओके ये लगा दे रहे हैं, ब्रेक पैड्स ये सही नहीं थे, एक सही था मेरे पास तो वो लगा देते पहले। हाँ ये देखो हमारे पास तीन तीन सही वाले ब्रेक पैड्स हैं, मैंने एक्स्ट्रा पहले बाय कर दिए थे बहुत टाइम पहले, तो अभी ये वाला देखते हैं ब्रेक कैपिलर भी होगा मेरे पास, एक ही है मतलब ब्रेक कैपिलर लगेंगे और। ओके तो ये देख लो एक साइड का इंजन सही हो चुका है, अभी फिलहाल ये क्या है बैटरी, बैटरी मैंने बाई किया था शायद, हाँ बैटरी बाई किया, ये देख लो मेरे पास है पड़ी हुई, मतलब मैंने पहले बीच में कार खरीदने से पहले ही बाई किया था। ओके सो गाइस हमें कार्ब्यूलेटर खरीदना होगा साइड ड्राफ्ट, ओके तो इसका नाम याद रखना पड़ेगा कार्ब्यूलेटर साइड ड्राफ्ट, कार्ब्यूरेटर साइड ड्राफ्ट हाँ। ओके ये तीन और बाय करने होंगे, ओके चलो क्योंकि हमें चार लगाने थे ना टोटल, मैंने पहले एक बाय कर लिया
चार लगाने थे, नहीं तीन लगाने थे, छोड़ो एक एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ओके एक बेच देंगे हम, वही सेम प्राइस में जिस प्राइस में खरीदे थे। पहले ये सब लगा देते हैं। मेरे पास कार्ब्यूरेटर था पहले से, राउंड एयर फिल्टर, राउंड एयर फिल्टर सिर्फ ये एक ही सही है और दो खरीदने पड़ेंगे। राउंड एयर फिल्टर ओके, तो ये आर पे रहेगा, नीचे जाना होगा। ओके वन मिनट, इसका ये स्लाइडिंग को क्या हो गया, राउंड एयर फिल्टर कहाँ है भैया, राउंड एयर फिल्टर, राउंड एयर फिल्टर ना ये रहा, इसके दो पार्ट खरीदने। ओके दो तीन पार्ट नहीं थी, दो पार्ट, महंगा है ये बहुत। ओके $60 का है, सस्ता नहीं है ये, यहाँ की करेंसी से बहुत महंगा है, डॉलर्स मतलब बहुत ज़्यादा होता है इंडिया की करेंसी से। ओके आपको ये सुन आते पता है कभी कभी ऐड, वैसे तो मैं ऑफलाइन चला रहा हूँ लेकिन फिर भी ये कभी कभी ऐड आते रहते हैं, ऐड को सिंपली कट कर देना, कुछ इतना प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अरे स्पार्क प्लग, अरे 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 क्या कर दिया मैंने, इंजन हेड कवर भी ख़राब है, ये क्या है, स्पार्क प्लग ना, स्पार्क प्लग खरीदने पड़ेंगे, स्पार्क प्लग और वो इंजन हेड कवर भी खरीदना पड़ेगा। सबसे पहले इंजन हेड कवर ले लेते हैं, कहाँ है, अरे यार नीचे है, इंजन हेड कवर ये देखो ये रहा। ओके एक ही इंजन हेड कवर है यहाँ पे, लेकिन भाई ये $500 का है, बहुत महंगा है। उसके बाद क्या चाहिए था, एक स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग, भाई ये एस पे जाना पड़ेगा अभी फिलहाल, एस पे चलना होगा, एस पे चलना होगा, एस पे चलना होगा, एस पे, अरे भैया ये सब क्या हो रहा है, स्टार्टर नहीं, अरे ये रहा स्पार्क प्लग, $6 का है। ओके और दो लेने होंगे ना, ओके $12, चलो अभी फटाफट स्पार्क प्लग लगा देते हैं, स्पार्क प्लग। ये भी एक और एक स्पार्क प्लग, एक और एक खरीदना पड़ेगा, एक कम खरीदे थे। ओके स्पार्क प्लग और एक खरीदना पड़ेगा, फिर चलते हैं। स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग वैसे सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है फिर, अरे यार नीचे चलता ही नहीं है कभी कभी। ओके चला गया नीचे स्पार्क प्लग, ये रहा, अरे यार हटना नहीं चाहिए, स्पार्क प्लग एक ही चाहिए अभी, नहीं नहीं भाई एक ही चाहिए, जो कि मिल गया भैया, क्या हो रहा है ये। ओके अरे यार हट बेटा हट गया, ओके रुक जाओ जरा सा। ओके ये रहा, अरे
की पार्किंग लॉट में कहाँ चला गया मैं भी। अरे रे 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 इंजन हेड कवर कौन डालने बुलाया? ओ ये वाला स्पार्क प्लग 100% है, ये भी 100% है, ये भी 100% है, परसेंट है, ये 0% है। ये लगा देते हैं स्पार्क प्लग। ओके ये लगा दिया मैंने। ओके चलो ठीक है अभी फिलहाल। ओके इंजन हेड कवर अभी ये जल्दी से लगा देते हैं। इंजन हेड कवर ओके ये भी हो गया। आपको टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा, ये इजी है। ओके ये दो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड 16 चाहिए, दो। ओके दो एग्जॉस्ट। ओके ओके एग्जॉस्ट कहाँ है? एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट, अरे यार ये नहीं चाहिए थे क्या? एग्जॉस्ट ये रहा, दो। ओके $80 का है, मतलब पूरा दोनों $80 के मिले मुझे। ओके तो चलो अभी लगा देते हैं एक को। अरे लग जा भाई। ओके ये लग गया, ये दूसरा वाला भी लगा देते हैं। तो देखो ऐसा इंजन बनाते जाना है पूरा, मतलब ये खाली इंजन बनाना रहता है आपको ये गाड़ी का। और आपको गाड़ी मिलती है ना तो उस पर डेंट बेंट सब लगे होते हैं। अल्टरनेटर अल्टरनेटर लेना होगा। अल्टरनेटर है मेरे पास। ओके चलो, अरे मतलब पहले पे ही था ना। अल्टरनेटर लगा देते हैं अभी, मेरे पास नहीं था वैसे, बहुत महंगा पड़ता है ये सब। लेकिन आपको जब आप कार बेच देते हो ना तो आपको आपके सारे पैसे वापस भी मिल जाते हैं। ओके मुझे ये लगाना है। अरे भैया ये पट्टी लगानी है मुझे। अरे 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 अरे, अरे। क्या है क्या, पट्टी को टच ही नहीं हो रहा है? अरे पट्टी बहुत छोटी है यार, पट्टी को टच करना बड़ा मुश्किल है। ओके अब ये पट्टी को असेंबल करना है मुझे। अरे पट्टी को टच, अरे यार ये पट्टी कहाँ पर है? ओके ये रही पट्टी, इसको लगा क्यों नहीं सकता मैं? हाँ अब लगा पा रहा हूँ। ये पहले से ही मतलब वो ठीक ही थी पट्टी, बस हमको निकालना पड़ा क्योंकि वो निकाले बिना होता नहीं था। ओके अभी फिलहाल ये क्या चीज़ है? ओ ओ ये क्या है, नाम ही पता चल रहा है। अपर सस्पेंशन आर्म के तो यू पर है, मतलब नीचे जाना होगा। अपर ये रहा अपर सस्पेंशन आर्म, एक ही लेना है भाई, बहुत $200 का मिल रहा है। नहीं चाहिए भैया नहीं चाहिए। ओके 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 चलो परफेक्ट, अपर सस्पेंशन आर्म लगा देना है। आप ये जो सब पार्ट है ये सब बेच भी सकते हैं, मतलब एक बार आपका काम हो गया ना तो आप उन सब पार्ट को बेच भी सकते हो। आपने जो एक्स्ट्रा मतलब 100% पार्ट है ना, आपको वो सब बेचना नहीं चाहिए क्योंकि आपको उससे ही मेन हेल्प मिल जाएगी। ओके ये ख़राब था शायद, इधर पे भी नहीं, अंदर का व्हील हब कैप। ओके तो ये तो लास्ट में रहता है एकदम। यार ये क्या हो गया, व्हील हब कैप। ओके एकदम नीचे
नीचे एकदम नीचे। अरे यार नहीं खरीदना है मुझे ये सब। ये रहा व्हील हब कैप, एक ही चाहिए अभी फिलहाल। भाई कहाँ घूम रहा है, भाई कहाँ घूम रहा है। ओ भाई सब जूम इन, जूम आउट क्यों हो गया। एकदम इजी गेम प्ले है, आपको मतलब हेल्प तो बहुत होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि मतलब एक गाड़ी के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, मतलब गाड़ी के इंजन के अंदर। अभी तो हम लोग को बस इतना ही मालूम था कि गाड़ी होती है उसका इंजन होता है बस, लेकिन अब पता चल रहा है कि गाड़ी के इंजन के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें होती है। ओके मेरे पास ब्रेक कैपिलर एक भी नहीं है, मुझे ब्रेक कैपिलर लेने होंगे। ओके तो ब्रेक कैपिलर ऊपर में ही रहेगा, ब्रेक कैपिलर एक और एक ले लेता हूँ, आपको प्राइस भी मिलते जाएंगे ये सब चीज़ें खरीदने पर। एक्स्ट्रा खरीद के रखना हमेशा फायदेमंद होता है। तो देखो यहाँ पर ये भी लगाना ना, मैंने ये खरीद के रखा था मैंने आउटर टायर रॉड, ये देखो मैंने टच कर दिया और ये लग गया। ओके चलो अभी लगभग पीछे के इंजन का पार्ट हो ही गया, बस ये देखो ये बचा है इग्निशन डिस्टरबेंस डिस्ट्रीब्यूटर, इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर ये लेना होगा। इग्निशन मतलब आय से है तो थोड़ा नीचे जाना होगा, आय 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 कहाँ है यार। अरे भाई बहुत नीचे आ गया, नहीं गई। ओके ज़रा सा ऊपर जाना है और इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है, ये रहे एक इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर। ओके तो चलो अभी ये लगा देते हैं कार पे। अभी इसके लगने के बाद इसके ऊपर की चीज़ें भी आएगी, तो मेरे हिसाब से वो रिपेयर्ड था। हाँ ये देखो इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर रोटर, तो मैं लगा देता हूँ इसको। नहीं 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 रिपेयर्ड नहीं था, इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर रोटर। चलो इसको भी खरीद लेते हैं। ऐसे ही चलते हैं, आए यहीं पर ही होगा इग्निशन। कहाँ गया इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर फ्यूल, हाँ फ्यूल का भी चाहिए था। हाँ ये रहा, बाय। सस्ते सस्ते रहते हैं, मतलब अपने लिए सस्ता है क्योंकि अपने पास पैसे है ये गेम में, लेकिन रियल में ये बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं, सस्ती नहीं है ये सब चीज़ें। ये देखो मुझे लगा ही था इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर कैप भी लगेगा इस पर, ये तो सही हो बस। अरे यार सब कुछ खराब ही था, येड़ाऊ में खरीदा नहीं है, ये लगा ही था दो तीन चीज़ें लगेगी इसके ऊपर, नहीं मैं समझ ही नहीं पाया। ओके नहीं नहीं आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। अरे यार क्या ही क्या। ओके कहाँ चलना है, क्या लेना क्या था, इग्निशन वाला लेना था ना। अरे भाई नहीं चाहिए मुझे ये, रहा कैप 16 बाय। जो चाहिए वो तो जल्दी से देते हैं, नहीं जो नहीं चाहिए वो देते रहते हैं। अरे यार हटना फिर भी कल नहीं। ओके अरे यार चलो
ये लगा देते हैं। ये भी लग गया। फिलहाल ये वायर भी खराब थी, इतना तो मेरे को मालूम है। इग्निशन वायर ये थोड़ा सा खराब है। अगर आपको सब मालूम होगा तो आप इजीली कर जाओगे ये सब। अरे भाई नहीं खरीदना है। इग्निशन कहाँ है यार? वायर चाहिए यार मुझे। ये रही इग्निशन वायर 16, जो चाहिए वो तो फटाक से देते हैं, नहीं जो नहीं चाहिए वो फटाफट दे देते हैं। ओके ओके। फ्यूल फिल्टर भी खराब था। अभी एक साथ दो दो चीजें खरीदेंगे, ये फ्यूल फिल्टर, एक और एक चीज है ना ये के। अरे रुक जाओ रुक जाओ, खरीदने से पहले ये रबर बुशिंग तो सही थी ना दोनों, ये लगा देते हैं फटाफट। तीन तीन रबर बुशिंग है मेरे पास 100% वाली। अरे यार वहां से ही लगेगा ये। अरे क्या नखरे क्या है यार तुम्हारे, हटो ना। बस आपको इसको वो करने में ही थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। मैंने ये खरीद लिए थे रबर बुशर बुशिंग, थोड़े बहुत ज्यादा ही है मेरे पास। ओके तो फ्यूल फिल्टर रुक जाओ जरा सा अभी। ओके यहाँ चलते हैं, चलो रुक जाओ भैया। एक तो है वो फ्यूल फिल्टर, और उसके बाद एक और एक चीज है भाई, ये नीचे का कहाँ है यार? ओके इसको टच करते हैं, नीचे जाएंगे। ओके ये रहा ऑयल फिल्टर 16, ऑयल फिल्टर नहीं वो फ्यूल फिल्टर है, और ये ऑयल फिल्टर 16 है। फ्यूल फिल्टर ऑयल फिल्टर 16। ओके चलो फ्यूल फिल्टर और ऑयल फिल्टर 16। ओके फ्यूल फिल्टर कहाँ गया यार, पहले तो बराबर दिख रहा था। अरे नहीं चाहिए यार ये चीज। ये रहा फ्यूल फिल्टर, और वो ऑयल फिल्टर कहाँ गया? अरे ऑयल फिल्टर कहाँ गया? थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके अभी फिलहाल ज्यादा ही जूम हो गया, वो दिख ही नहीं रहा है कहाँ गया यार वो। अरे यार ज्यादा ही जूम हो गया बोला ना। अरे यार ये क्या हो गया, अजीब ही नशे हो रहे हैं भाई, पता ही सभी चीजें खरीदनी। अरे यार भाई कहाँ जा रहे हो, क्या नशे हो यार। ओके ऑयल फिल्टर अभी लगा देते हैं। ओके चलो ऑयल फिल्टर 16, अभी फ्यूल फिल्टर लगाना है बस, फिर ये साइड का हो जाएगा लगभग काम पूरा। ये रहा फ्यूल फिल्टर, ये रहा फ्यूल फिल्टर, चलो लगा देते हैं। देखो टोटल 50% है बाकी दोनों को मिला करके मेरे पास पड़ा हुआ है, मतलब मैंने इससे पहले भी फिक्स किया था थोड़े बहुत, तभी मुझे मिल गए थे स्प्रिंग कैप। अरे यार
रुक जाओ जरा सा, अभी फिलहाल पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर क्या चाहिए, ये सॉलिड रियर ड्राइव एक्सेल, ये है क्या मेरे पास? नहीं, सॉलिड रियर ड्राइव एक्सेल, अभी क्या है यार, अजीब अजीब से नाम है इस चीज़ों के। सुपर कार्स है ना, ये वाली सुपर कार है। पहले की कार्स मतलब नॉर्मल कार्स थी, पहले जितनी भी मैंने रिपेयर किया हूँ। ये रहा सॉलिड रियर ड्रायर एक्सल जो भी है, ये एक ले लेते हैं। अभी मुझे नहीं पता आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है या नहीं। ओके चलो, सॉलिड रियर ड्रायर एक्सल। ओके अरे भैया क्या हो गया अभी। चलो ब्रेक डिस्क, मेरे पास तो बहुत सारी ब्रेक डिस्क, इसका नहीं पता भाई। ब्रेक पैड्स, ओके ये भी एक बचा था। इसके ब्रेक कैपिलर मैंने एक्स्ट्रा खरीदा था ना, हाँ ये एक हो गया एक्स्ट्रा खरीदने का फायदा फटाफट लग जाता है। अभी फिलहाल इस साइड आ जाओ, पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो। ओके पीछे चलो, और देखो यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं लिया, कभी कभी कांड हो जाता है और कभी कभी फ़ायदा हो जाता है। ओके ब्रेक कैपिलर तो है मेरे पास, ओह नो, ब्रेक कैपिलर और वो दोनों खरीदना पड़ेगा। ओके ब्रेक पैड्स और ब्रेक कैपिलर दोनों खरीदने होंगे, सॉरी सॉरी गलती हो गई, गलत बोल दिया। ब्रेक कैपिलर, ये रहे ब्रेक पैड्स, अरे भाई खरीद लेने दो। ओके चलो अभी दबा दो, मतलब अरे दबा के रखो। चलो ये रहा ब्रेक पैड्स, ये क्या हो गया भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ये हो गया क्या, पीछे चलो पीछे चलो। ओके ये रहा, अरे यार भाई क्या नशे क्या है यार। अरे चलो ये वाली गाड़ी भी लगा देते हैं, मतलब ये वाली चीज भी लगा देते हैं ब्रेक कैपिलर। ओके अभी बचा है सिर्फ ये चीज, अरे यार क्या हो गया क्या इसको, ये वाली चीज खरीदनी है स्प्रिंग कैप। ओके दो स्प्रिंग कैप खरीदनी है। अरे यार स्प्रिंग कैप बहुत नीचे है, स्प्रिंग ओके हो गया है। अरे 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 स्प्रिंग कैप कहाँ है, ये रहे दो स्प्रिंग कैप लेने होंगे। ओ भैया अरे यार दो। ओके चलो $90 मतलब $45 का एक था, महंगी महंगी चीज़ें भाई यहाँ पे तो, इसीलिए कार इतनी महंगी होती है। भाई $1000 में बिकती है, मतलब $1000 में नहीं $1000 में बिकती है, बहुत महंगी महंगी बिकती है ये गाड़ियाँ। ओके चलो ये तो हो गया। ओके यहाँ पे टच करते हैं ये वाला ब्रेक कैपिलर, अरे क्या है यार सब जगह ब्रेक कैपिलर ही निकल रहा है, मुझसे स्प्रिंग कैपिलर मतलब कैप है ना इसका भी, इसलिए कैपिलर कैपिलर निकल रहा है। ओके ये हो गया, हाँ चलो ठीक है। ओके ओके चलो ये भी हो गया। ओके वाह चलो, अरे भैया ये क्या हो गया, रुक जाओ भैया थोड़े से नशे थोड़े से। अच्छे क्या है ये,
लीफ स्प्रिंग प्लेट। ओके चलो ये ले लेते हैं, लीफ स्प्रिंग पेट प्लेट 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 पेट नहीं पेट पेट नहीं प्लेट प्लेट। ओके ज़्यादा नीचे आ गए। अरे यार हाँ, अरे यार अच्छा खासा ले रहे थे। लीफ स्प्रिंग प्लेट दो चाहिए बाय। अरे बहुत सस्ती है यार, इतनी सस्ती मैंने ऐसी इतनी सस्ती चीज़। ओके लीफ स्प्रिंग प्लेट लगा देते हैं। अरे लग जा भाई। लीफ स्प्रिंग प्लेट, अरे भाई लग जा गया। चलो अभी ये लगा देते हैं, ये तो पहले से ही पड़ा है हमारे पास। अरे भैया लगा। चलो मतलब ये ख़राब नहीं था, ये खाली इसको निकालने के लिए निकालना पड़ा था। ओके चलो अब यहाँ चलते हैं। आपको बस ढंग से क्लिकिंग करनी है हर जगह पर बस, और आप इजीली बना सकते हो कार्स। ये बहुत इजी है, इंजन भी बनाना सब बहुत इजी है, नो वरी। ओके चलो लीफ स्प्रिंग यू बोल्ट जो भी है ये लगा देते हैं। ओके चलो मेरे हिसाब से अभी ये पूरी गाड़ी बन गई। हाँ शायद बन चुकी है। चलो बॉडी में चलते हैं। ओके बन गई है तो अभी फिलहाल। ओके चलो अभी इस गाड़ी की फोटो ले लेते हैं। ओके फोटो हो गई है। चलो एलेनोस फोइक्स इसका नाम है। ओके पार्किंग प्लॉट पे चलते हैं। ये देखो $15,000 में बिकेगी ये गाड़ी। उसने ये वाइट क्यों होगी, ब्लू कलर है ना इसका तो। ओके मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे देखो अभी फ़िलहाल इसको सेल करने जाएंगे तो अपने को दो ऑप्शंस आने वाले हैं। 100% स्टेटस है, पूरी अच्छी हो गई। यहाँ देखो अगर मैं अभी ये देखो 19,000 में बिकने वाली है ये। अगर मैं ये आप यहाँ पे जो ये देख रहे हो गोल्ड मतलब जी लिखा है, इससे अगर बेचोगे 10G में तो आपको ज़्यादा पैसे में बिकेगी। और अगर यहाँ पे के बेचोगे तो टोटल 4 आवर्स लेंगे ये बिकने में, लेकिन कम पैसों में भी बिकेंगे लेकिन 4 आवर्स भी लेंगे। तो चलो सेल पे डाल देता हूँ मैं। ओके और फिर अभी फ़िलहाल तो मेरे पास इतने पैसे होंगे नहीं, फ़िलहाल चेकआउट कर लेते एक बार। ओके मैप में चलते हैं। यहाँ पर गया था क्या मैं? नहीं नहीं यहाँ नहीं गया था। मेरे को अपने टूल्स अपग्रेड करने होंगे जो कि बहुत ही महंगा है। ये क्या है? नहीं यहाँ भी नहीं गया था। 21,000 में मिल रही है भैया। क्या है क्या ये सब? क्या है क्या? अल्टार स्विंग यहाँ से लिया था मैंने। कहाँ से लिया था वो गाड़ी जो याद ही नहीं आ रहा आपको। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे गाड़ी ख़रीदने के लिए। यहाँ से भी नहीं लिया था, उसमें जीप विप्स भी थी। ये महंगी क्यों है मालूम? क्योंकि क्या बोलते हैं ये सब गाड़ियाँ मतलब ज़्यादा करके बनी हुई है। हाँ ये देख लो 90% गाड़ी बनी हुई है इसलिए महंगी मिल रही है। ओके अभी फ़िलहाल देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो अभी मेरे पास तो सिर्फ 12,000 ही है। हाँ ये देखो यहाँ से ख़रीदा था मैं। ये देखो ये वाली जो है ना लेफ्ट में वो वाली ख़रीदा था मैं, लाल कलर की जो थी। सो डेट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पूरी ज़रूर देखना और कल की वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है वो भी ज़रूर देखना। और ऐसी ही वीडियोज़ हर रोज़ देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।